गाइज वेलकम टू द PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। गाइज हम खेल रहे थे सोलो वर्सेस डुओ और यहाँ एकदम पैराशूट चीटी की तरह दिख रहे थे, मतलब एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से छह, आठ, दस, इतने ज्यादा बंदे थे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने कहा बंदूक तो भैया ये क्या यूजी दे दिया हाथ में, इससे किसको मारेंगे, हमेशा तो अच्छी गन मिलती थी, अब हम जैसी अपना बाहर मुंडी दिखाते हैं तब तक भाई साहब हमको कौन डैमेज देता। हमने कहा गुम्मा और यहाँ आई लव यू PUBG लेट, आओ बेटा जल्दी अंदर भम भम भम, चलो पहुंचो ऊपर बाहुबली। ये चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, हमने कहा क्या बचाओ, पहले ऊपर जाओ तुरंत इनको उड़ा डालते हैं, तब तक इनके दौड़े दौड़े आते। हमने कहा लो बेटा कंटा, इसे बाहुबली ने नागेश को चिंटू कैंडी बना दिया। बाहुबली ने बोला होगा इसके पास यूजी है, जल्दी से आ जाओ भाई साहब, ये दौड़े दौड़े चले आए, हम टीपीपी लेके बैठे थे, अब इनके पेटी में से हमको जो हेल्थ किट उठ के मिल जाती है हम तुरंत लगा लेते हैं। और आगे जो है कैंपर दो तो रहते हैं, पहले हमने कहा लाओ भैया केडी बनाए बुलाए, देर तक आशीर्वाद दे ले, प्रणाम भैया कैसन है, कहते हैं जल्दी करो पीछे वाले को मारो, प्लस टू करवा लो। हमने कहा ओके, तुरंत इनको जो है टाप दे देते हैं। भाई जैसे इन लोग को मार के इधर आते हैं तब तक देखते हैं कि इधर जो है ईगल और बिच्छू गैंग में लड़ाई चल रही होती है। हमने कहा मौके का फायदा उठाओ बेटा जल्दी से, हम तुरंत दौड़ के जाते हैं और तीन तल्ला मकान में जो है टीपीपी लेके खड़े हो जाते हैं। दोनों लोग लूटा लाटी वहां मचा रहे होते, एकदम पेटिया उटिया लूट रहे होते। हमने कहा दोनों एक साथ में है, अभी मौका सही नहीं है, जैसे एक अमेरिका में जाएगा एक इंग्लैंड में जाएगा तुरंत कैचआउट पकड़ लेंगे, जैसे भाग के अमेरिका जाने लगते हैं। हमने कहा लो बेटा आउट, तुरंत इनको मार देते। हमने कहा खाना वाना खाते नहीं होगा, तीन ही गोली में फुस हो गए, उधर पूनम खा के मोटा गई है। अब इनके दोस्त इधर स्ट्रेटेजी बना रहे होते कि इसको कैसे मारा जाए, क्या किया जाए, तब तक उधर खड़बुड़ाहट की आवाज आती है। हमने कहा कौन टहलना भी है देखे, तो एक केडी बड़ा ले देता टहल लेते। हमने कहा लो बेटा अबे अबे कहाँ छुप गया, लो भैया ड्रम के पीछे बैठ गए, तब तक इनके दोस्त मौका का फायदा उठा के चौका मारने आ रहे थे। हमने कहा लो बेटा छक्का, भैया एकदम पलट के गिर जाते हैं, काहे से जब जब गुम्मा चलेला दुश्मन के खोपड़िया हिलेला। ए चकलू बी नो लिमिट्स ओके, क्या चुप चुप लगा रखा है, कल से ज्यादा बोलोगे तो आई विल बीच यू विद डंडा ओके। और भाई कल तो आप लोग के कमेंट ने तो धूमे मचा दिए, मतलब पढ़ते पढ़ते इतना मजा आ रहा था क्या ही बताया। अब भाई साहब जो है हम पूरा नदी नाला क्रॉस ओस करके आते हैं यहाँ पे, तो सामने एक घर के ऊपर जो है बंदे चढ़े रहते हैं, तब तक देखते एक और बंदा उनके ऊपर जा रहा है। हमने कहा बेटा यही जो है अच्छा मौका है, एक बम फेंक देते हैं, तब तक ये भाई साहब हमें देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हम यहीं से बम फेंक रहे हैं। दोनों लोग आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमने कहा जल्दी फेंको यार, इतना टाइम कौन लगाता है, मेरे भाई क्या कर रहे हो, कल फेंकोगे क्या, हम तुरंत फेंकते हैं, इनको डैमेज लग जाता है। हमने जल्दी से रस करो भैया, अब ये भाई सब उसकी पेटी में से M249 उठा के रिलोड कर रहे होते हैं, और M249 जो है जानते हो रिलोड करते करते पूरा एक साल बीत जाता है, हमको आवाज आ जाती है ये भाई सब जो है नीचे खड़े होकर रिलोड कर रहे थे। हमने कहा कहां बेटा भम भम भम, कौन कर रहा है लॉबी इन द हाउस बेबी। इनका बटुआ खोल के हम चेक करते हैं, तब तक देखते हैं सामने एक बग्गी आई है, ये बग्गी से जो है ड्रॉप ऑफ लूट रहे थे। हम कह लो भैया गोली चला दे, तब तक जो है हवा इतनी तेज चल रही है इनको गोली लगी नहीं रहती। हम कह एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये भाई साहब तुरंत उड़ के बग्गी में बैठ जाते हैं। हमने कहा छोड़ो भैया ये तो निकल जाएंगे, अब ये भाई साहब जाते तो हैं पर इनको जो है बिच्छू गैंग वाले पकड़ लेते रास्ते में, वो गोईठा उठा जला के इनसे सब छीन लेते सामान। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, अभी देखो आठ लोग बचे ना, देखना छह किल तो हमें लेके चले जाएंगे। अब भाई साहब हम गाड़ी उठा के जैसे ही जाते तो पीछे रहते एक पर जिनको जाना रहता है कॉन्करर, अभी बताएंगे कहां कॉन्करर जाना है, कहां से कि ये जो है जोन के साथ नहीं चलते, ये जोन के पीछे पीछे चलते, जोन आगे चलता है ये पीछे चलते हैं। हमने कहा कहां है भाई दिख ही नहीं रहा यार, ये भाई साहब जो है बाहर ही नहीं निकलते। हमने कहा छोड़ो भैया इनके चक्कर में हम यही रह जाएंगे, हम तुरंत गाड़ी निकालते हैं। हमने कहा चलो बेटा फटाफट, अब गाड़ी निकाल के जैसे ही जाते तो देखते एक पहाड़ पे एक आदमी। हमने कहा इतनी जल्दी पहाड़ पे कैसे पहुंच गए बेटा, अभी बताते लो बेटा पेच क्या, तुरंत इनको कुचलने की कोशिश करते हैं, भाई साहब बच जाते। हमने कहा लो बेटा भम भम बम, अबे पीछे तवा रखे हो सारी गोली तो तवे पे लग गई। ऐसा इनके गुम्मे में वो बात नहीं थी जो हमारे गुम्मे में थी, हमारा गुम्मा स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। अब हम इनकी पेटी लूटने लगते हैं, हम सोचे ये वही पीछे वाला कैंपर वाला बंदा होगा, स्केट और स्केट मार के यहाँ गया होगा, तो हम एकदम निश्चिंत आराम से खटिया उटिया लगा के लूट रहे थे। तब तक भाई साहब पीछे से गोली चलाना स्टार्ट करता था, एक सेकंड में हमको 1 HP का देता है। हमने कहा साला कौन सी कंपनी का तेल लगा रहे हो बे अपने जो है उस बंदूकों में।
हाँ मैंने कहा भैया हेल्थ किट लगाओ, ये तो यार आगे जाने नहीं देगा, आगे जाएंगे तो पीछे से खटर पटर करता रहेगा। हमने कहा इनको मानना बहुत जरूरी है। अब भाई साहब हमारे पास रहता है हाइट का एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मैथ्स चैप्टर नंबर 14 हाइट एंड डिस्टेंस आई हैव द एडवांटेज ऑफ हाइट। एंड ये जो कुछ छलांग मार रहे थे, हमने कहा कौन सी कंपनी का कंगारू का जूस पी के आया भाई साहब, इतना ऊपर ऊपर तो कभी हम उछल ही नहीं पाया तक। अब तुरंत हम एक बम का गोला निकाल के इनके ऊपर फेंक देते हैं, ये भाई साहब तुरंत बच जाते हैं। हमने कहा बेटा कुछ करना पड़ेगा इसका, ये मामला गंभीर कर देगा, जीता जीता मैच हाथ से निकल जाएगा। कहां जा रहे हो लोग बम का गोला, भाई साहब फिर से बच जाते हैं। हमने कहा यार ये तो एटीट्यूड एवं ऐठन दिखा रहा है, आ ही नहीं रहा यार, क्या किया जाए। हमने कहा अब हम भी एटीट्यूड एवं ऐठन दिखाएंगे, हम भी जोन नहीं जाएंगे, साला तेल लेने गया चिकन डिनर। आओ बेटा अब देखते हैं, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, ये भाई साहब आ ही नहीं रोते। हमने कहा यार ये कब आएगा मेरे भाई, अब तो जोन भी आ गया भाई, मर जाएंगे यार, हम तो मजाक कर रहे थे चिकन डिनर लेना, ये भाई साहब आ ही नहीं रहते। हमने कहा देखो भाई साहब हेल्थ किट लगा रहे, वाह बेटा वाह, मतलब लड़ाई नहीं करना है, हेल्थ किट लगा के आधे घंटे तक जोन के बाहर ही रहना। अब यहाँ आके देखते हो तुम भाई साहब हर तरफ गोईठा जला हुआ है। हमने कहा यहाँ का माजरा चल रहा है, तो लो भैया दो लप्पू झप्पू सामने। हमने कहा भैया चुप रहो, एकदम चुपके से लेट जाओ, कंडा उंडा धुआं हुआ गोईठा उठा जला के चारों तरफ से एकदम सिचुएशन एकदम कॉन्करर प्लेयर की कर दी होती है। हमने कहा भाई हेल्थ किट मत लगाओ भैया, आवाज मत करो, चुप रहो, क्या कर रहे हो मेरे भाई, पता चल गया तो तुमको यहीं घासे में लेटा देंगे। हमने कहा लो भैया सामने से एंगल बना के देखे तो ये देखो भाई साहब आराम से लेटे। हमने कहा लो बेटा कंटाप, इनको तुरंत हम कंटाप देते हैं। और भाई साहब इधर गोईठा उठा ये लोग इतना जला देते हैं और अंदर चला रहता है गुली गुली और हमारे अंदर खुजली मची थी। हमने कहा यार किल तो मिलेगा नहीं, क्या किया जाए। हमने कहा लो भैया आग फेंकते हैं, तुरंत आग फेंक देते हैं इनके पास, लेकिन भाई साहब इधर से हमको कोई गोली मारने लगता है। हमने कहा क्या किया जाए यार, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमने कहा किल तो मैं अपना लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे किल मिलता नहीं, ये भाई साहब इधर गुली गुली कर रहे थे। हमने कहा आ जाओ बेटा कंटाप, बाय बाय। भाई साहब दो बंदे बस सामने बचे हुए थे, हमने कहा इनको मार डाले पूरा जो है मैच अपना चिकन डिनर। अब भाई साहब ये M2 फोन लाइन लेके भर तब से चला रहा था। हमने कहा तुम पहले आओ यार, तुम तो कपारे खा गए, तुरंत इनको मारते ये हवा में उड़ के गिरते हैं। अब अपने दोस्त को बुलाते हैं, बचाओ जल्दी से ये पेड़ के पीछे छुपा, मार डालो इसको। इनके दोस्त जो है पता नहीं कहाँ रहता है, इनको जो समझ नहीं कुछ आ नहीं रहा होता है, ये हमको ढूंढ रहे होते हैं। हमने कहा भैया पेड़ के पीछे हम कवर लिए, लो बेटा कंटाप भम भम भम, अबे हवा चल ली क्या, गोली कहाँ चली, लो बेटा भम भम भम। भाई इनके गुम्बे में वो बात नहीं थी जो हमारे गुम्बे में थी, तो इस बार जो है हम फिर से 30 उतरते हैं, कहे से जो है अच्छे किल मिल लेते हैं। हमने कहा लो फिर से उतरेंगे 30 अच्छे किल मिल जाएंगे, तब तक देखते हैं। तो इससे पहले कि हम उतरे हमारे पहले को ही आके जो है खड़ा रहता है। हमने कहा भाई भागो जल्दी से, ये तो पहले से आके लूटा ला है। हमने कहा दरवाजा बंद कर दो जल्दी से, कुंडी मार दो। कहा भैया जल्दी से लूट डालो वरना दोनों लप्पू झप्पू अगर आके हमारे ऊपर रस कर दिए तो यार दिक्कत हो जाएगी। अब भाई साहब एक आदमी पिटा के चुपके से यहाँ पे आके छुप जाते, वो सोचते हैं हमको यहाँ पे आके कोई देख पाएगा नहीं, हम यहाँ पहले आके खड़े थे इनको हम देख लिए थे। अब भाई साहब खिड़की के थोड़े छेद से हम सोचते कि दिख जाए तो बस मामला बन जाए। हमने कहा लो बेटा कंटाप, तीनों गोली मारती है फुस हो जाते। हमने कहा भाई खाना वाना नहीं खाते हो का, ये तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो, उदम पूनम खा खा के एकदम भैंस हो जा रही है। गए हेलमेट वेलमेट गया तेल लेने, जल्दी से जाते उड़ा डालते, तब तक ये तो पहले ही से उड़ गए। अब इनके दोस्त को खुजली मच जाती, कहते मेरे दोस्त को कैसे मारा बे, अभी बताते। ये तुरंत उड़ के आते हैं हमारे पास मारने के लिए। हम कहे अबे कहाँ से आएगा भाई, अबे कहाँ जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। हमने कहा अबे कैसे उड़ के खेल रहा है, कहीं है कॉन्करर प्लेयर तो नहीं है। तो ये भाई दरवाजे से नहीं आते, ये खिड़की से आते मारने के लिए। हमने कहा कहीं से भी आओ बेटा, लो बेटा कंटा भम। हमने कहा लाओ भैया इतना मेहनत की है, आराम से खटिया उटिया डाल के इनकी पेटी हम लूटना स्टार्ट कर देते। अब लूट ही रोते तब तक कोनो बॉट फायर कर देता। हमने कहा भैया बॉट फायर करके बुला रहे हो, मिर्जी को चिंटू कैंडी बनाना चाहते हो का, तब तक उनके ऊपर कोनो और हमला कर देते। हमने कहा दोनों लोग बिजी है, लाओ भैया थर्ड पार्टी कर देते। तब तक अचानक से एक कार आ रही होती है। हमने कहा अबे ये तो इधर ही आ रहे, अबे 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 अब क्या होगा। हमने कहा अभी बताते हैं लो बेटा, अबे 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 कैसे खेला, अबे अबे कहाँ जा रहा है, अबे किधर जा रहा है, कैसे खेला है मेरे भाई, अरे क्या कर रहा है यार, क्या है भाई ये तेजा तेजा, क्या है ये तेजा तेजा। भाई आप लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी मेरे सामने आया करो तो सीधा खड़ा होके खेलने का, मुझे चक्कर आ जाता है, अगली बार से आप ही लोग जिम्मेदार हो गए। अब भाई साहब हमारे पास ना हेल्थ किट रहती है ना कोल्ड ड्रिंक रहती है, हम आराम से चुपचाप खड़े रहते हैं। कहे से जो बॉट फायर किए रहते वो यही ऊपर छत पर रहते हैं, जैसे स्पाइडरमैन की तरह कूदते। हमने कहा लो बेटा कंटा आप कहाँ दौड़े जा रहे हो, बहुत बॉट फायर कर रहे थे, इनको जो है रास्ते में हम लुड़का देते हैं। कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बन सकता। हे चकलू बी नो लिमिट्स ओके, जब सब्सक्राइबर कहेंगे सारी बोलिंग तो चिल्ला कह रहे बे।
अब भाई साहब तुरंत जो है तेजा की पेटी में से गुम्मा उम्मा उठा के केडी उडी बढ़वा के यहाँ से निकल ले होते। कहे से एक कैंपर रहता है वो निकल ही नहीं रहा होता बाहर। हमने कहा यार ये तो ऐसे आएगा नहीं, पूरा मैच यही निकल जाएगा। तुरंत तेजा की गाड़ी लेके निकलने लगते हैं। हमने कहा आ जाओ बेटा कोनो और है सामने, तो हम गाना गाते जा रहे होते नीले गगन के तेले। अबे ये बम की आवाज कहाँ से आई? हमको लगता है कि भाई साहब बम जो है ये लोग फोड़े आपस में, कोनो मरा हो रहा है। हम तुरंत गाड़ी घुमा के जाते हैं। हमने कहा बेटा जो भी हो जल्दी से सामने आ जाओ। अब जैसी गाड़ी लेके पहुंचते तो एक भाई साहब स्पाइडरमैन की तरह कूदते सामने से। हमने कहा अच्छा बेटे तुम यहाँ छिपे हुए थे इतनी देर से, अभी बताते हैं तुमको। भाई एकदम हम कंगारू की तरह उछल उछल के इनको पप्पी दे देते, एकदम घुस जाते इनके मुंह में, हमारी पप्पी लेके चले जाते ऊपर। अब भाई साहब जोन में जाना रहता है कहे से, इफ यू वांट टू टेक अ चिकन डिनर यू हैव टू बी इन द जोन। अब जोन में जैसे ही आते तो यार भम मते आवाज आती है। हम कहे ई काबे लॉन्चर उन्चर चलने लगेगा। हमने कहा बेटा अब तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम तुरंत अंतरात्मा को फोन मिलाते हैं। घोलोलोब घोलोलोब, अंतरात्मा कहती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? हमने कहा अंतरात्मा आगे लॉन्चर चल रहा है, आगे वाले घर में बंद है, लॉन्चर लेके क्या करे जाए कि ना जाए? तो कहती है जाना भी नहीं वरना ऐसा उड़ाएंगे कि बॉडी रहेगी अमेरिका में, कपड़े रहेंगे इंग्लैंड में। अब भाई तुरंत हम इनको M416 की पप्पी दे देते हैं। ये भाई साहब पप्पी इनको इतनी खराब लगती है छुप जाते हैं। हम बम बम भी फेंकते हैं लेकिन भाई साहब गाड़ी उठा के तुरंत ये भाग जाते हैं जोन में। अब हमने कहा अब क्या करें यार ये लॉन्चर वाला लेकिन जोन में जा ही नहीं रहा होता, इतना टाइम हो जाता है। हमने कहा छोड़ो भाई इससे जाए चाहे ना जाए हम ही चलते हैं यार जोन में। हम तुरंत जो है इस साइड से निकल जाते हैं जोन में और भाई साहब पूरा जोन खुले में बना रहता है। हमने कहा यार ये जोन का जो है मैप कौन बनाता है, कौन डिजाइन कर रहा है? मेरे का उसको नंबर तो साले का गुम मार के सर ही फोड़ डालेंगे। तब तक भैया फिर से लॉन्चर। हमने कहा यार ये तो पीछे पड़ गया साला। हमने कहा ये कौन लेटा है बे? आई ये बिस्तर लगा के सो रहे थे। हमने कहा लो बेटा पिच किया तुरंत इनको उड़ा डालते। तब तक भाई साहब दो लप्पू झप्पू हमको देख लेते। हमने कहा बचाओ भैया ये तो खुले में पकड़ लिया बे, गाड़ी मत फोड़ो भाई गाड़ी मत फोड़ो, एक ही गाड़ी बची यार अब क्या होगा? तुरंत गाड़ी फूटने वाली थी, हम उतर जाते। लो बेटा भम भम भम, अबे भम भम, अब ठीक है। इनके दोस्त हमको दौड़ाने लगते हैं कहाँ बेटा अब अभी ये कहाँ मार रहा गोली? अबे हमें मार रखा दो चार चिड़ियोड़ी मरी का भाई ये गोली चला रहे होते। हम इनके साथ लुका छुपी खेलते, ये राइट जाते हम लेफ्ट हो जाते, लेफ्ट जाते हम राइट हो जाते। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया अब आ जाओ बेटा हेल्थ किट लगा लिए। कहा हो बेटा भम 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 बाय बाय। अब भाई आखिरी प्लेयर इतने महान थे कि जोन के अंदर ही नहीं आ रहे थे, जोन के बाहर ढूंढ रहे थे। हमने कहा ये कौन है बे, ये जोन के बाहर खड़े होकर किसको उधर किसको देख रहा है? हमने कहा लो बेटा कंटाब जैसी माते तुरंत लेट जाता। हमने कहा अबे फिसल गया क्या इसका पैर, चट्टान से नीचे तो नहीं गिर गया? हमने कहा इनको तो हम गुम्मे से नहीं M4 से मारेंगे। आओ बेटा तो देखते हैं ये भाई साहब नहीं है तो भाई साहब नहीं है। हमने कहा वाह भैया